फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल कब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा सो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो बेल बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब जब नए वीडियोस डालूंगा आपको उसका ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाय फ्रेंड्स, मैं तेजस। ये स्कोडा ऑक्टाविया है डीजल वर्जन में, ये ओल्ड मॉडल है। इसमें क्या तकलीफ आ रहा है, इसका जो क्लच है, क्लच आप देख सकते हैं, इसका पोजिशन जो है अंदर ही है, मीन्स जो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। ये देखो, मैं प्रेस किया हुई अंदर ही है, इसको ऐसा ऊपर की तरफ लाना पड़ता है। ये देखो, नीचे रह जाता है। कभी कभी आया तो आया, अभी देखो अभी आया है, लेकिन कभी मतलब आएगा ही नहीं ऐसा ही। ओके, तो मुझे क्या करना है, इसका जो क्लच सिलेंडर है वो रिप्लेस करना है, क्योंकि एक्चुअली इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्लच जो प्रॉपर काम नहीं करता। वो दो रीज़न से करता है, एक तो इसका सिलेंडर जो है वो लीकेज रहेगा, या फिर इसका जो लाइन है किधर से लीक रहेगा। दो रीजन से क्लच जो है फेल होता है। ओके, तो पहला जो रहता है अपना मेन स्टेप क्या है कि इसका जो ऑयल है, ऑयल चेक करना। आप देख सकते हैं इसका ऑयल है, सो जो को मैंने ऑयल भी चेक किया है, ऑयल का लेवल है एकदम परफेक्ट है। मींस उससे ये मालूम पड़ जाता है अपने को, एक चीज तो अपना कन्फर्म हो जाता है कि इसका जो ऑयल है किधर से लीकेज नहीं है। इसका तकलीफ है तो सिलेंडर में तकलीफ है, ये डायरेक्ट जो है अपने को कंफर्म हो जाता है। क्योंकि लीकेज रहने के बाद कैसा, किधर तो लीकेज है, ये रीजन से जो इसका ऑयल है लेवल कम होता है और इससे जो है काम नहीं करता सिलेंडर क्लच, तो अपने को वो चीज़ मालूम पड़ जाता है। लेकिन ये केस में क्या हुआ है कि इसका जो ऑयल है, ऑयल लेवल कुछ भी कम नहीं है, तो ये रीज़न से अपने को जो अंदर का सिलेंडर चेक करना होगा। और बाहर का तो इश्यू नहीं आएगा, 99% अंदर वाले का इशू रहता है ये केस में। आप ये देख सकते हैं इधर इसका क्लच का जो सिलेंडर है, इसका आउटर साइड है। तो ये देखो, ये जो पाइप है ये इसका ऑयल का है। देखो, मैं जो मेरा जो हाथ है, उंगली लगा रहा हूँ मैं। सो ये जो इसका ऑयल का है, ये मेन का है, ये इनलेट का है, और इसका आउटलेट का पाइप जो इसके नीचे के साइड में है वो इतना कंजेस्टेड है ना कि मेरा कैमरा उधर तक जा ही नहीं पाएगा। सो वो निकालता हूँ मैं, फिर आपको दिखाता हूँ। उसको जो एक तार का लॉक है, वो लॉक कटाने पे वो निकल जाता है। आप देख सकते हैं मैंने इसका जो पाइप है, पाइप जो है खोल लिए, मैंने नीचे का भी जो पाइप है वो खोल लिया है। इसका लॉक जो मैंने कटा दिया है, वो कैमरे में डिटेक्ट नहीं हो रहा है ये सब चीज़, इसलिए आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। आपको ये देख सकते हैं, आप मेरा हाथ देखो, ये मेरा जो उंगली है नीचे की साइड में, ये देखो, ये जो लॉक है, ये देखो इधर तार का लॉक है जो कि मैंने बाहर निकाल लिया है। तो अभी ये नीचे का पाइप जो है नीचे चला जाएगा। देखो, स्क्रूड्राइवर लगा के देखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये तार लॉक जो मैंने बाहर निकाल लिया है, और ये इनलेट का पाइप है इसका आउटलेट का। सो अभी जो मुझे सिलेंडर जो अंदर से घुमा के निकालना पड़ेगा। आप ये देख सकते हैं, मैंने इसका जो इधर का स्टेयरिंग के नीचे का पैनल है, फ्यूज बॉक्स, वो पैनल जो रिमूव कर दिया है। इस पर स्टार के बोर्ड लगते हैं, आप देख सकती है टाइप के। सो ये साइड में फ्यूज बॉक्स को दे रहते हैं और ये पैनल को दो रहते हैं, और अंदर के साइड में इधर भी एक आता है जो कि पहले टूटा है ऑलरेडी इससे पहले। तो मैंने दो बोल्ट तो ऑलरेडी खोल दिया है, अभी मुझे जो तीसरा बोल्ट खोलने का है इसका ब्रेक रॉड का, मतलब जो ब्रेक का असेंबली उसका। एक्चुअली क्या, असेंबली नीचे लेना पड़ेगा क्योंकि जो ऊपर इसका, आप ये देख सकते हैं मैंने जो असेंबली है वो रिमूव किया है, और मैं बताया आपको इसके दो बोल्ट जो मैंने खोला था, ये देखो इसके सिलेंडर के, और एक तीसरा नंबर का इधर का, जो कि ये पैनल खोल के अपने को इजीली दिख जाता है, तीन बोल्ट पे असेंबली फिट रहता है। सो ये 13 नंबर का जो बोल्ट है, जो स्टड है, वो निकालना होगा, क्योंकि इसके अंदर जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के नीचे इसका जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा रहता है, तो पैडल को जो अंदर के साइड में दबा देने का ताकि स्प्रिंग जो है लूज हो जाता है। आप देख सकते हैं ये पूरा इसका जो टेंशन है पूरा फ्री है, एकदम लूज है। तो ये जो नट है, ये नट खोलना होगा, फिर ये नट खोल के जो सिलेंडर है, सिलेंडर जो है बाहर आ जाएगा। सो खोलता हूँ मैं ये नट अभी। एक्चुअली मैं जो बाहर आया हूँ ब्रेकडाउन के लिए, तो इसकी वजह से मेरे पास अभी प्रॉपर स्पैनर नहीं है, तो थोड़ा तकलीफ हो रहा है उसके वजह से। क्या अभी ब्रेक डाउन के लिए आया था थोड़ा बाहर। देखो ये पे अभी टेंशन जो इसका लूज है, आप देख सकते हैं, तो इसकी वजह से
बोल्ट भी जल्दी जल्दी निकल आएगा, मतलब कैसा पैडल अगर ऊपर के साइड रहता तो उस पर स्प्रिंग पे टेंशन जमा रहता, अभी जो है टेंशन नहीं है कुछ भी। ये देखो ये पैडल अपना रिमूव हो गया, ये अंदर का स्प्रिंग, स्प्रिंग के लिए ब्रैकेट दिया रहता है, आप देख सकते हैं ये ब्रैकेट में ऐसा लगता है स्प्रिंग। ओके, और ये जो अपना सिलेंडर, सो अभी आफ्टर मार्केट एक सिलेंडर है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसका जो न्यू सिलेंडर असेंबली है वो ले लिया उन्हें, आप देख सकते हैं। तो एक्चुअली इधर का ये जो क्या बोलते स्लीव है ये टूट गया था खोलते समय, क्योंकि उधर कंजेस्टेड है, जगह नहीं था तो खींचादानी में निकल गया, तो वैसे भी रिप्लेस ही करना था अपने को, से मैं इसके लिए इसके कुछ ध्यान नहीं दिया। तो ये अभी मैं न्यू सिलेंडर लाया हूँ, तो मुझे जो इसको जो इंस्टॉल करने का है तो बता दो आपको उसको किस तरीके से जो इंस्टॉल करते हैं। ना मेन स्टेप तो ये रहेगा, देखो सिलेंडर को ऐसा डाल देना इसके नीचे, ये ब्रैकेट को थोड़ा ऊपर ले लेना, सिलेंडर डाल देने का। देखो सिलेंडर मैंने डाल दिया, फिर उसके बाद अंदर से आप देख सकते हैं ये जो बुश है इसको जो प्रेस कर देने का जस्ट। ओके, तो सिलेंडर जो अंदर की तरफ चला गया मतलब लॉक हो गया अभी। और सेकंड थिंग, अपना सेकंड स्टेप, इसका जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग जो है इस पर इंस्टॉल कर देने का। देखो स्प्रिंग भी मैंने इस पे जो इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद क्या करना होगा इसका जो पैडल है ब्रेक का, वो पैडल को जो इंस्टॉल करना होगा। और देखो ये जो इधर लॉक होना चाहिए ऐसा स्प्रिंग पे, देख रहे हैं आप, आप देख सकते हैं मैंने जो इसमें स्प्रिंग है स्प्रिंग इंस्टॉल कर दिया है, और ये अंदर का जो स्टड है वो भी डाल दिया है। एकदम इजी है, ज़्यादा कुछ ये नहीं, खाली स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो होगा प्रॉपर। ये बोल्ट को मेरे को अभी टाइट करने का है, बाद में करते हैं इसको। देखो स्प्रिंग इंस्टॉल हो चुका है सिलेंडर भी, अभी अंदर का जो लॉक है लॉक लगाना बाकी है। सो मेरे हिसाब से लॉक ऊपर लगाऊंगा तो अब बेस्ट रहेगा, तो अभी ऊपर जाके लगाता हूँ मैं फिटिंग करने के बाद। एकदम इजी है ये, देखो एकदम इजी है। सो अभी मैं इसको जो इंस्टॉल कर देता हूँ, ये देखो इधर से मेन पाइप लगता है और इधर से जो अपना क्लच की तरफ जाता है वो वाला। ओके, इनलेट या आउटलेट। आप ये देख सकते हैं मैंने जो सिलेंडर है मैं आपको बताया मैं इंस्टॉल कर दिया इसमें न्यू सिलेंडर, ये देखो। तो मैंने नीचे का पाइप भी जो है लगा दिया, ये देखो आप देख सकते हैं उस पर लॉक अभी परफेक्टली दिखाई दे रहा है। तो पहले क्या था, पहले जूना वाला लॉक खराब था, मतलब खराब इन द सेंस उसका कलर जो कोटिंग है निकल गया था तो उसकी वजह से दिखाई नहीं देता था। अभी आप देख सकते हैं ये देखो ये नीचे का लॉक है जो कि मैंने लगा दिया है, पाइप भी इसमें लगा दिया। अभी इधर ऊपर के साइड में जो है ये पाइप जो इंस्टॉल करने का है, सो एक जो अपना ब्रेक बूस्टर है PMC, सो इसमें लगेगा और एक वो साइड में लगेगा, ये देखो। तो ये पाइप जो मैं अभी इंस्टॉल कर देता हूँ, आप देख सकते हैं मैंने जो फिटिंग है सब कर दिया है, जो कि अंदर के असेंबली के 3 बोल्ट या अंदर वाला 13 का बोल्ट। अभी फिलहाल ये सॉकेट बचा है, तो भाई इसका क्लच का सॉकेट है प्लस स्विच का, सो ये भी मैंने अभी लगा दिया। आप देख सकते हैं मैंने इसका सिलेंडर है, सिलेंडर जो रिप्लेस कर दिया है, अपना जो सब जो ईयर बियर ईयर निकालने का जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये इसका क्लच के मतलब गेयरबॉक्स के ऊपर का सिलेंडर है, ये देखो इस पर 11 नंबर का एक प्लग दिया हुआ है, सो ये प्लग
मतलब जो कि इसको ड्रेन प्लग भी बोल सकते हैं अपन। सो ये लूज करके जो है इधर से जो एयर है ब्लीडिंग करते हैं अपन। तो ये भी मैंने कर लिया है, नॉर्मली है जैसे बाकियों के गाड़ियों का रहता है वैसा। भाई रखा भी क्लच भी जो है प्रॉपरली ऑपरेट हो रहा है। तो पहले कैसे ऊपर ही नहीं आता था, अभी देखो अभी ऊपर भी आ रहा है। तो अपना शिफ्टिंग भी जो है प्रॉपर हो रहा है। तो पहले कैसे हाफ वर्क करता था, तो इसकी वजह से जो गेयर है गेयर डलता भी नहीं था। अभी आप देख सकते हैं शिफ्टिंग भी प्रॉपर हो रहा है। और इसमें अल्टरनेटर का लाइट आया, सिंबल आया है। सो जो कि मैंने चेक किया, इसका अल्टरनेटर में तकलीफ है क्योंकि अल्टरनेटर के पीछे जो दो वायर लगते हैं, सॉकेट लगता है, वो निकालने पे लाइट जो है चला जाता है। मीन्स अपना वायरिंग और जो क्लस्टर मीटर है वो परफेक्ट है। और सेकंड थिंग, बैटरी वायर निकालने पे गाड़ी भी बंद नहीं पड़ता। तो जो भी तकलीफ है अल्टरनेटर के अंदर है, तो अल्टरनेटर का देखते हैं अभी करने के नहीं, कस्टमर से बात करके, क्योंकि बैटरी जो है चार्ज कर रहा है अभी अल्टरनेटर। खाली इसमें जो है सिंबल आया है।